जी सुप्रभात दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, एक नए जगह, एक नए टूरिस्टिक प्लेस जिसका आप सभी को और मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, सिक्किम। जी हाँ, मैं कल रात को आया था सिक्किम। आपने देखा पिछली वीडियो में कि मैं सिलीगुड़ी में था, सिलीगुड़ी के बाद मैं आया यहाँ सिक्किम। सिक्किम आने के लिए तकरीबन मुझे 5-6 घंटे लगे, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा 400 पर पर्सन। टाटा सुमो की गाड़ी थी जिससे मैं यहाँ तक आया, मैं और अभिषेक दो लोग थे। और यहाँ आने के बाद मैंने ऑलरेडी एक हॉस्टल बुक कर रखा था, इन्फिनाइट यूथ हॉस्टल। आप सभी को इसका लिंक मैं दे दूँगा, booking.com पे अवेलेबल है। बट मैं, एक मेरे फ्रेंड है उजाल, जो इस हॉस्टल में एक तरह से को पार्टनर है, उनके थ्रू मेरी बात हुई थी बहुत पहले। हालांकि मेरा प्लान था पहले कि मैं उनके घर पे स्टे करने वाला था, बट उनका घर थोड़ा दूर है और यहाँ हॉस्टल है और वाईफाई वगैरह भी है, जो कि मुझे थोड़ी बहुत ज़रूरत है, कुछ आवश्यक चीज़ें करनी है इसके कारण, तो इनके मैं हॉस्टल में रुका हूँ। यहाँ वाईफाई अवेलेबल है और ये गैंगटॉक से तकरीबन 6.5 किलोमीटर के आसपास दूर है यहाँ से, मतलब। और जो गैंगटॉक मेन सिटी है, MG मार्ग, जो जैसे मनाली का माल रोड है, शिमला का मॉल रोड है, वैसे ही यहाँ का जो है इसका नाम है MG रोड मार्ग। उसके बाद यहाँ पे मैं आया तकरीबन 6.5 किलोमीटर दूर। और फिर यहाँ पे आने पे सबसे जो आपको बेस्ट पार्ट यहाँ का है, यहाँ पे 150 रुपीज़ में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और हेलो, ये योगी भाई हैं हॉस्टल के ओनर। कैसा रहा अभी तक हमारे साथ कैसा आपका रहा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और हमें भी, मतलब ये लोग बहुत फ्रेंडली लोग हैं, मतलब ये लोग भी अभी पढ़ाई, आप जॉब करते हैं ना? या ये जॉब करते हैं, बट वो जो उजाल वगैरह भाई हैं वो लोग मतलब स्टडी कर रहे हैं। और इन्होंने, इनके दिमाग में इन्होंने बताई कैसे प्लान कैसे आया हॉस्टल खोलने का, मतलब इट वॉज लाइक वन नाइट प्लान। एक्चुअली वी हैव सम बिगर आइडियाज, बट देयर वाज समथिंग, आई मीन हम कुछ भी प्लान कर रहे थे, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो व्हाट वी थॉट कि कुछ वो ब्रेक होता है ना, कर्ज ब्रेक करने के लिए, लेट्स डू समथिंग। सो हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद हॉस्टल, बिकॉज व्हेन वी सी ना, हम ऊपर जाते हैं तो लाइक पीपल आर कमिंग बट दे आर पेइंग मोर देन 1000 रुपीज़ जस्ट टू स्टे, इट इज कॉस्टली। या सो हमने सोचा कि अगर हम वही स्टे थोड़ा सस्ते में प्रोवाइड कर सकते हैं ना, तो इट विल बी गुड फॉर ट्रैवलर्स ऑल्सो, और एक कंपनी बनेगी सबके साथ, एक कम्युनिटी डेवलप होगी। सो हमारी जो ग्रुप है इनफाइनाइटियंस, सो इसको भी एक टोटल कितना नंबर ऑफ, सो वी वर लाइक 30, बट यू नो स्लोली पीपल आर गेटिंग मैरिड एंड आफ्टर मैरिड दे आर गोइंग राइट नाउ, हाउ मेनी मेंबर्स, वी आर लाइक 15 प्लस। You started in December recently? ये hostel तो yeah, we have opened. So they have 15 members of huge team who started this hostel. But overall, my experience is amazing here. I will recommend you guys to come here. It is like so cheap, and I don't think you can get any hostel in this price at this location. You can see particular this location and behind mountain sides and this all thing. Thank you so much, Yogi. This is, इन्होंने क्या किया था कि प्लान किया था तब तकरीबन कि हम एक खोलना चाहते हैं, जैसा इन्होंने बताया, मतलब ये कहीं जाते थे तो ये लोग भी देखते थे कि हमें कितना मतलब एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है। तो इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना हम सस्ते में सब लोग को, मतलब ऐसा कुछ पैमाना बनाएं, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाएं कि सस्ते में सब लोग ट्रैवल कर पाएं। तो आई थिंक 150 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, बट एक तरह से देखा जाए तो अगर 150 रुपीज़ में आपको पर डे स्टे मिल जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के कैसा है रूम, क्या है, बेड्स वगैरह कैसे हैं। और हॉस्टल, इससे पहले मैं रुका हूँ, इंडिया में मेरे हिसाब से हॉस्टल का उतना प्रचलन नहीं है, बट इनका जो, इन्होंने जो मतलब इनिशिएट किया है, मेरे ख्याल से आई थिंक बेस्ट है, क्योंकि ट्रैवलर लाइक मी, मैं यही प्रेफर करता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ सस्ते से सस्ते में ट्रैवल करूँ। मैं अपने वीडियोज़ में देखा होगा, मैं यही चेक करके जाता हूँ, मैं काउच सर्फिंग के थ्रू भी लोगों के यहाँ रुकता हूँ, लोकल लोगों के घरों पे रुकता हूँ। बट अगर 150 रुपीज़ में मुझे हॉस्टल मिल जाए तो मैं खुशी खुशी पे करना चाहूँगा 150, क्योंकि आई थिंक कन्वेंस वगैरह में ही उतना लग जाता है कहीं भी आप जाओ तो। 150 कुछ नहीं है, बट अगर आपको एक अच्छा यादगार स्टे मिल जाए, कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए दोस्त मिल जाएँ, कुछ नए माहौल मिल जाएँ, कुछ नई यादें मिल जाएँ जो कि ताउम्र साथ रहें आपके, तो 150 कोई ख़राब नहीं है। और मेरे हिसाब से ये हॉस्टल ज़बरदस्त है। तो ये तकरीबन, जैसा मैं आपको बता रहा था, ये 6 किलोमीटर या फिर 6.5, मे बी 7, मान लो 7 किलोमीटर दूर है। और यहाँ के जो रास्ते हैं ऐसे घुमावदार टाइप के, मतलब चढ़ाई टाइप के हैं, तो आप चढ़ाई करके इजीली MG मार्ग जा सकते हो, और वहाँ जाने के बाद आप लाइक, इट इज़ माल रोड ऑफ सिक्किम, आई थिंक
बेस्ट जगह है, आप कुछ भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये है, और मैंने इसलिए चूज किया कि एक तो सस्ता था, प्लस मैं उजाल को मैं बहुत पहले जानता हूँ, अभी चल के मिलाता हूँ आपको उजाल से। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे और कल रात को मैं बहुत थका हुआ था, आप मानिए कि मैं 17 को मैंने गाड़ी पकड़ी थी, कल मैं यहाँ उतरा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 50 घंटे की जर्नी, ठीक है, तकरीबन 50 घंटे की जर्नी, और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे आने के बाद। और कल क्या हुआ था, मैंने सिलीगुड़ी में बिरयानी खा ली थी, पेट इतना ज़्यादा फुल हो गया था कि मतलब चला नहीं जा रहा था, प्लस में घुमावदार रास्ते, पहाड़ी रास्ते, आप जानते ही हो, मतलब मुझसे चला तक नहीं जा रहा था, बट उल्टी टाइप का मन, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मैं आया, मैं लिटरली मूड नहीं था कि उसके बाद कुछ भी करूं, बट जैसे तैसे कल रात को फिर मैं आते ही मैंने नहा लिया, ठंडा का, इतना ठंडा यहाँ पे है उसके बाद भी, और यहाँ हॉस्टल में कोई गीज़र वगैरह नहीं है तो नॉर्मल आपको पानी मिलेगा। फिर मैं उसी तरह मैं नहा लिया, क्योंकि मैं बिना नहाए नहीं रह सकता, और ऑलरेडी 3 दिन हो गए थे, मतलब 3 दिन बोल रहा हूँ, मतलब 2 दिन और तकरीबन 4-5 घंटे। तो मैंने फटाफट नहाया आने के बाद और रात को सो गया। आज सुबह उठा, थोड़ी बहुत, ये आप पीछे देख पा रहे हो, ये पीछे पहाड़, तो थोड़ी बहुत हमने साइट सीइंग की नीचे जाके, और उसके बाद आके बैठे हुए। हॉस्टल में इतने ज़बरदस्त बंदे हैं कि मतलब टाइम का पता ही नहीं लग रहा कब कट जा रहा है, मतलब अच्छा माहौल है यहाँ पे। बहुत थकाने वाले रास्ते हैं, हैं। चलिए चलिए अभी और चलना है, रुकना नहीं है। आधा किलो मुर्गा खाने वाले व्यक्ति चलिए, आप हिल कह रहे हैं 5000 फीट की ऊंचाई पे सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ माउंट थक गया, माउंट एवरेस्ट चढ़ गया। देखिए हम लोग कितने नीचे से आ रहे हैं। हम तब से बैठे हुए थे, और उसके बाद अभी रिसेंटली मैं बाहर आया, मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो शूट करते हैं। तो अभी जिस बंदे का इंतज़ार था आप सभी को, पीछे आ रहे हैं, कह रही हैं इसे, आइए आइए, ये अभिषेक, कुछ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसा रहा यहाँ तक का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम नेचुरली इन्वायरमेंट मिल रहा है, बहुत खुश है। रास्ते कैसे थे यहाँ से वहाँ तक, सिलीगुड़ी से यहाँ तक के? रास्ते तो आने में बहुत डरावने थे, एकदम तीखा मोड़, बगल में गहरी खाई, इससे पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी इससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था? ना कभी नहीं, फर्स्ट टाइम था, और काफी अच्छा लगा, बहुत मजा आया रास्ते, अभी तो और मजा आएगा। तीखे मोड़ देख देख के, हेयर माई ओल्ड फ्रेंड, काउच सर्फिंग फ्रेंड उजाल, हम कैसे मिले थे बताइए आप? हम लोग काउच सर्फिंग में मिले थे, उसके बाद हम लोगों ने पूरा बात बात किया, और मैं अभी घर पे नहीं हूँ तो ये लोग यहाँ पे हॉस्टल पे आके ठहर रहे। पहले क्या प्लान था हमारा, कहाँ ठहरने का प्लान था? हम लोग पहले मेरे गांव में जाने का प्लान है, वो जाएंगे, लेकिन एक दिन देखते हैं, टाइम मिलेगा पक्का जाएंगे, और पहले जैसा मैंने आपको बताया, फिर इन्होंने सडनली बोला, इन्होंने हॉस्टल खोल रखा, मैंने बोला कोई नहीं हॉस्टल चलते हैं, और यहाँ पे आप एक बार प्लान बताइए, आप लोग को हॉस्टल खोलने का प्लान कैसे आया, मतलब क्या? हम लोगों का हॉस्टल खोलने का प्लान ऐसे, हम लोग रह रहे थे रूम पे, एक दिन अचानक से ये सोचे कहीं निकल चलते हैं, तो निकलने के लिए उस वक्त कोविड भी था, तो हम लोगों ने सोचा अभी कोविड का सीन चल रहा है, जैसे मतलब हम लोग भी निकल रहे हैं वैसे किसी को भी बुला लेते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने मतलब हॉस्टेलर्स जैसे बैकपैकर्स हॉस्टल वैसा खोल दिया। हम लोगों का हॉस्टल है ना, वो सिक्किम में ही सबसे चीपेस्ट हॉस्टल भी है। एक बार आप अपने मुंह से बोलिए क्या रेट है आपके हॉस्टल? हम लोगों का हॉस्टल का रेट अभी दिसंबर, ये जो ईयर है 2021 में, इसके हम लिए 150 रखा है, और 2022 में होगा शायद 200 तक चला जाए, क्योंकि टैक्स वगैरह भी हम लोगों को पे भी करना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एकदम चीपेस्ट रखा है, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेवलर्स आए और दोस्ती बढ़ जाए, एक कम्युनिटी जैसा बन जाए कि हम लोग यहाँ से कहीं और जाएंगे तो मतलब उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग काउच सर्फिंग सेम प्लेटफॉर्म देता है एक तरह से।
और आप काउचसर्फिंग के थ्रू भी रुक सकते हो, बस इनका जो थोड़ा बहुत फेयर है आप लोग को प्रोवाइड करना होगा, एक तरह से आप काउचसर्फिंग ही समझ लो, बट थोड़ा बहुत इनको मेंटेनेंस या फिर जो भी, ये भी स्टूडेंट हैं अभी प्रॉपर, इनका सेटल नहीं हुआ। मैं मास्टर्स इन जियोलॉजी, तो आप आई होप आप समझोगे और आइए, यहाँ पे मस्त जगह है और थोड़ा बहुत इन लोग को देखिए हॉस्टल वगैरह में। आपका नाम क्या था भाई? मेरा नाम अभिषेक है। ये भी आप लोग के साथ ही है ना उजाल भाई? हम लोग मिल के चार जन, तो ये चार जने में से एक ये भी है अभी स्टूडेंट ही हो ना अभी? मेरा मतलब मास्टर्स खत्म हो गया और ऐसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये हम तकरीबन यहाँ पे ये लोग चार जने हैं और दो रूम है ना यहाँ पे, टोटल टू रूम्स है, और एक जो योगेश भाई को मैंने आपसे मिलाया, उजाल भाई और ये अभिषेक भाई, तीन लोग हैं और एक नरेश भाई है, वो कॉलेज गए, उनसे आपको बाद में मिलवाता हूँ। और महेश्वर भी है, जैसे हमारे पार्टनर्स हैं, पांच जन है हम लोग एक्चुअली। महेश्वर भी है, वो मतलब अभी आसाम चला गया वो पढ़ाई के सिलसिले में, लेकिन अभी वो भी आएंगे। मतलब इनका एक मतलब इनका फ्रेंड ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड ग्रुप है जिन इन मैंने एक्चुअली बताया इनफाइनाइट यूथ हॉस्टल, या करेक्ट, हम लोगों का फ्रेंड सर्कल है उसे इनफाइनाइटियंस बुलाते हैं। ओह दैट्स ग्रेट। तो ये हॉस्टल का बिल्डिंग है, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये जो फर्स्ट फ्लोर है बेसमेंट वाला, यही है हॉस्टल का, ऐसा कुछ है, ये है जिसमें मैं रुका हुआ हूँ। अभिषेक भाई, हेलो, हाय, आपका इमानुअल, आप? आई एम कामिनी। उत्कर्ष भाई, ये भी बड़े प्रो ट्रैवलर हैं। ये देखिए, ये मेरा बेड है, ऐसा कुछ है, आई थिंक 150 के हिसाब से प्रॉपर, मुझे नहीं लगता कि इधर कहीं मिलेगा आपको, सिक्किम इतना कॉस्टली सिटी और उसमें इतना चीप सस्ता मिल रहा है आपको रहने का। एंड हियर उत्कर्ष, वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम हॉस्टल, माउंटेन्स। हाँ, आप यहाँ से देख पाओगे, पीछे आपको रेंज दिख रहे हैं माउंटेन्स वगैरह के। कौन सा गेम हो रहा है? UNO. तो बेस्ट चीज ये है कि आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो बैठे, एंड यहाँ पे ये है निशाने लगाइए, क्या इसको क्या बोलते हैं? डार्ट गेम। एंड द मेन थिंग, नो स्मोकिंग। तो और ये इनका कुछ ये है इनफिनाइट यूथ हॉस्टल गैंगटॉक, यहाँ पे जो कामिनी है वो इधर रहती हैं, इनका हॉस्टल, क्योंकि ये गर्ल्स का सेक्शन थोड़ा अलग किया गया, ये इधर बाहर हम लोग हैं और अंदर ये कामिनी इधर रहती हैं, इनका बैग वगैरह है। और ये इधर आइए, ये बाहर बालकनी, ये वॉशरूम, और यहाँ से आप देखिए व्यू। और जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ के जो खाने हैं, खाना यहाँ पे प्रॉपर आपको ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, आप यकीन नहीं मानोगे, ऑर्गेनिक खाने की बात ही कुछ और होती है। और ये सिक्किम जो इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जो टोटली ऑर्गेनिक खेती करता है, यहाँ पे फर्टिलाइज़र बैन है पूरा का पूरा, मतलब नो फर्टिलाइज़र, नो एनीथिंग, और इन ओनली ऑर्गेनिक, कोई हाइब्रिड वगैरह का नहीं मिलता। तो यहाँ के जो खाने हैं, यहाँ के जो सब्जियाँ हैं, अन्य हर चीज़ के जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल है। तो प्लान ये है कि पहले कल MG रोड आज मतलब शाम को MG रोड जाना है, कल का कुछ आइडिया नहीं क्या करेंगे, हो सकता है ईस्ट, ये तो ईस्ट सिक्किम ही है, इधर ही कुछ देखूं। और परसों का ये है कि नाथुला पास जाना है जो चाइना बॉर्डर है, कश्मीर ट्रिप में मैंने पाकिस्तान बॉर्डर टच किया था ऑलमोस्ट, अभी मैं सोच रहा हूँ चाइना बॉर्डर टच कर दूँ और उसके बाद रिटर्निंग टाइम पर मैं इंडिया और भूटान का बॉर्डर है जो जयगांव, वहाँ सोच रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। तो जो मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साला बॉर्डर पे क्यों जा रहा है, बट मुझे एक है अंदर कीड़ा कि मुझे हर एक बॉर्डर चेक करने हैं, मतलब जितने इंडिया से टच बॉर्डर होते हैं उन सबको मतलब जाना है, वहाँ देखना है कि क्या है क्या नहीं है, कैसी लाइफ है। हालांकि नाथुला पास ऑलमोस्ट बहुत ठंडी है वहाँ पर, बहुत ठंडी जो मैंने लोगों से सुनी। अभी के लिए यही है, हॉस्टल में हूँ और अच्छा खासा टाइम बीत रहा है, जैसे कुछ होगा अगर कहीं जाता हूँ तो फिर आपको देखने को मिल ही जाएंगी वीडियोज़ में, बने रहिए चैनल पर, मिलता हूँ आप सभी को।